गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी चाय पी रही हूँ। ये चाय नहीं है, ये पानी है, ये गरम पानी पी रही हूँ। तो अभी मेरा गरम पानी फिनिश होगा। लोग नाश्ता करने बैठ रहे हैं, उमर और आयशा। जो कि हम लोग की सुबह हो गई है ना, तो अभी आयशा और उमर तो उठ गए। आज छुट्टी है स्कूल की, और उमर आयशा की भी। उमर आयशा तो ले नहीं रही है अभी फिलहाल, और अभी दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। दोनों के नाटक रहते हैं, बार बार आवाज़ से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं। अभी नाश्ता करने के लिए फ्री हो गई, ये पी सी लेकर बैठी है, और उमर थोड़ा सा कंप्यूटर। ये लड़की सुनो कितना काम कराते, बेचारी बच्ची। ये काम करने वाली दिखती है आपको? ये इसका सिर्फ, आयशा मैं बोल रही, चिटक जाएगा ये सिर्फ है ना, ये सिर्फ खाती है और पीती है और आराम करती है। इसके इतनी मैं थी ना, इतना काम करती थी मैं, बता नहीं सकते आपको। अब ये देखो, इसकी मम्मी हूँ ना मैं, इसलिए मैं इससे काम नहीं कराती। चलो जाने दो, आराम करो। तो ऐसे नहीं पढ़ने होता है, डुओलिंगो पे पढ़ रहा है। मम्मी जब पढ़ाते हैं जब नहीं पढ़ता है, डुओलिंगो पे भी पढ़ रहा है। देखिए दिखता है कि ये पढ़ने जैसा? इसकी शक्ल देखो जरा, पहले दिखाओ मर जरा, ये पढ़ने वाला दिखता नहीं जरा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग मार्केट के लिए निकले थे, तो मार्केट हम लोग ने कर लिए जल्दी जल्दी। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और आयशा ने थोड़े से क्लिप वगैरह ली जो आपको पता है। फ्रेंड्स, आपको पता है अभी आपने देखा है कि हम लोग मार्केट गए थे, और मार्केट से क्या क्या लेकर आए। मैं और आयशा गई थी, जो कि एक तो बोलती हूँ इसको कि खुद से ही व्लॉगिंग किया कर, थोड़ा थोड़ा सीख जाएगी। तो अभी हम लोग ने नॉर्मल ही वीडियोस लिए हैं, और क्या क्या लेकर आए वो बताते। जब हमारे मम्मी पापा लेकर आते तो हमको इतना कुछ फिक्र नहीं होती थी, अब खुद लाते ना तभी ऐसा लगता है कि बाप रे मार्केट, ओफ हो, मार्केट करना कोई आसान तो बात नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हमने क्या क्या लाया आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए क्या क्या लाया हम लोगों ने, देखिए क्या क्या लेकर आए। ये लेकर आए कुछ भी एज अ डिश के लिए लेकर आए हैं। हम लोग कभी रखेंगे ऐसा, ऐसे मैं कभी लाती नहीं हूँ, जस्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो अभी उसको रखना ही पड़ेगा। तो ये भी मैंने एज अ डिश के लिए अभी अदरक लेकर आई हूँ। आपके एरिया में अदरक का क्या भाव चल रहा है मुझे ज़रूर बताएं। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें थोड़ी मिल जाती है सस्ती, अभी आप जो खाता होगा उसको पता होगा। दिखा आयशा, यह है बोम्बिल। अब जो खाता होगा उसको पता होगा, इसकी चटनी भी बड़ी टेस्टी बनती है, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है आलू आलू और प्याज के साथ बनाएंगे तो बड़ा प्यारा लगता है, टेस्टी लगता है। जो खाता है उसको ही पता है इसका टेस्ट। ये नींबू और पालक, और ये देख सकते हैं ये पालक है आयशा, यू डोंट नो इसको क्या पालक बोलते हैं क्या। ये मेथी है गाइस, अभी इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। और मैंने लेमन लेकर आए हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा चक्कर आती है मुझे, तो मैं इसको या तो मॉर्निंग में पीऊँगी या तो फिर जूस बना दूँगी। और बनाना लेकर आई हूँ, जो कि कभी कभी सस्ते मिलते हैं, 20 रुपीज़ के हमको मिल जाते हैं यहाँ पर, एक डजन मिलते हैं, और कभी कभी 10-15 रुपीज़ के भी मिल जाते हैं, जो कि अभी मैंने लेकर आई हूँ। अब ये हेयरबिन आयशा बहुत कर रही थी, जो कि इसको लेने, ये लेती है और फेंकती है, और भी पड़े हुए मैं बताती हूँ उसका स्टॉक। और उमर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तोड़ देता है इसको, पूरा फोल्ड करके तोड़ता है। तो ये देखो, ये लगाई तो है, अभी कितने दिन लगाती है आप भी देखना, और ज़रूर पूछना कि कहाँ गया उसका हेयरबैंड। ये ज़्यादा दिन चलाएगी ना, और ज़्यादा देर तक। अभी ये आलू प्याज लेकर आए हैं, इतना ही हम लोग ने मार्केट लेकर आए हैं। और अभी और दिखाती है छोटी छोटी, क्या बच्चा है अभी छोटा छोटा, अभी छोटी छोटी चीज़ बची है ना। स्पून लेकर आए, स्पून लेकर आए हम लोग, 10 के 4 है, छोटे थे इसके लिए 10 के 4 दिया है, 10 के 5 मांगा है। बार्गेनिंग करने आती नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई किया है, तो 10 के 5 मांगे नहीं दिया, 10 के 4 छोटे छोटे देख सकते हो है ना, तो कुछ भी लगता है खाने के लिए। एक्चुअल में ना मुझे चाट बनाना था, तो पेरू दिखा नहीं कहीं, एक्चुअल में मुझे बनाना था चाट, और जो हम लोग पेरू और अमरूद और केला वगैरह मिलाकर उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के चाट बनाते हैं, वो बड़ा टेस्टी लगता है। उसमें थोड़ा सा शक्कर डालना है, फिर उसको मिलाना है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो जो कि नहीं मिला पेरू, इसीलिए फिर मैंने जस्ट नॉर्मल यही चीज़ें लाए। तो अभी मैं थोड़ा सा जूस बनाऊँगी नींबू का, और पीऊँगी। गन्ने का जूस हम लोग ने वहाँ पी लिए, तो कोई ना कोई मिलता रहता है, कोई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मिलते हैं, तो थोड़ा मतलब कैसा फील होता है कि वीडियो वगैरह हम लोग बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। अब ये लोग पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, ये अभी दिखाती हूँ दोनों क्या कर रहे हैं।
कुछ खेल होने वाला है, शक्कर निकली है, मेरी शक्ल वेस्ट होने वाली है, ये दोनों को बड़े पीटेंगे, गंदी गंदी चीजें बनाएंगे, मैं तो खाने वाली नहीं, और केले वेस्ट नहीं करेंगे, समझ में आया? ओके, हम जो बनाएंगे वो खाएंगे। ये देखो अभी उधर हंगामा चल रहा है किचन के पास, जो कि देख सकते हो फ्रिज में ये दूध ढूंढ रहा होगा शायद, कुछ तो बनने वाला है पता नहीं, जो कि मैं नहीं खाने वाली हूँ। चलिए देख सकते हो कुछ तो बनने वाला है जो कि मुझे पसंद नहीं रहेगा, लोग कुछ भी बनाते हैं। अभी ये देखो पता नहीं क्या कर रही है लड़की, इसको आराम आराम से, जो कि मुझे आता नहीं है, हाथ हाथ कट सकता है, डर है केला काटने का, उम्र आएगा तो उम्र के जैसे देखकर बनाऊंगी, देखूंगी क्या बना रहा है। देखो दोनों बैठ के कैसे खा रहे हैं, ये देखो कच्चा दूध इसमें मिला है, कैसा पता नहीं अच्छा लग रहा है दोनों को, अच्छा लग रहा है, ये टेस्टी है उमर। अच्छा गेम खेल खेल के थक गया ना बेचारा, तो अभी क्या करेगा, जो मिल गया वो खा जाएगा। ये जो छुरी अपनी जगह पे रख ले जाके उमर, आयशा यहाँ वहाँ भटकाओ मत उसको, उमर के लिए सही है, सीधी दे, कैसा बोली हूँ देने का मैंने, छुरी ऐसे देते, छुरी कभी भी ऐसे दी जाती, नीचे करके दिखाओ, ऐसे दी जाती है, किसी को लग जाएगा, हाँ इसलिए ऐसे दी जाती है, कोई भी धारदार चीज़ें हो, शार्प चीज़ें हो, उसे ऐसे दी जाती है। चलो ठीक है, एंजॉय योर रेसिपी, बाय। देख सकते हो मैं अपने किचन में हूँ, तो मैं थोड़ी सी जो टेढ़ी मेढ़ी अदरक है उसको काटने में भी लगी हूँ, और पसारा भी साफ़ करी हूँ, अदरक है, अदरक और लहसुन का मुझे पेस्ट बनाना है, जो कि आप देख सकते हो अभी मैंने साफ़ सूफ किया है, तो अभी चल रहा है मेरा वही, बिकॉज मुझे आज मेथी का कुछ अलग डिश बनाना है, मेथी की रेसिपी बना रही हूँ, मेथी गोश्त बना रही हूँ, तो एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ भाजी अपनी बन रही है, तो अभी देख सकते हो आयशा उमर भी नहीं है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फटाफट फिनिश कर लेती हूँ, थोड़ा घूम कर आती हूँ बाहर, फिर उसकी भी वीडियो आज ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे किचन में पक रहा है, देखो कितना पसारा हो चुका है, ऐसे में खाना बनाते ना बहुत पसारा हो जाता है, होता है कि नहीं, आपका भी होता है ना, पता है अगर मैं पहले ना इतनी पतली हुआ करती थी, और अब ना ये अदरक दिख रहा है सेम वैसी हो गई, लेकिन अभी फिर नॉर्मल हो जाऊँगी, जब जॉब पे लग गई हूँ ना फिर नॉर्मल हो जाऊँगी। पर ऐसा होता है कि चलते रहना पड़ता है, एक जगह बैठना नहीं पड़ता, जैसे हम लोग घर में हमेशा बैठे होते तो ऐसा नहीं है, अगर मैं जो ड्यूटी में एक बार लग गई हूँ तो मैं चलती रहना, मतलब अब ऐसा जो है शेड्यूल है कि टीचर्स हमेशा खड़े रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए और पढ़ाते भी रहना चाहिए, बैठना विच इज़ मीन कि बैठ गए मतलब पढ़ा नहीं रहे, तो इसीलिए चलते रहना पड़ता है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है सबको देखना पड़ता है, सबको गाइड करना पड़ता है, और क्लास में ऐसा नहीं कि सिर्फ चले गए आपने बुक खोला पढ़ा दिया समझा दिया आगे, नहीं उनको एकदम एक्सप्लेन करना होता है, जो कि अब मैं कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैं लग चुकी हूँ, तो अभी करना तो पड़ेगा ही, भले से मुझे सैलरी मुझे देखना नहीं, अब मुझे क्या देखना है कि बच्चों को मैं कितने अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगेन, अब मैं बैठूँगी थोड़ी सी मेथी तोड़ने के लिए, और फिर कुछ खास आज क्या खास होता है चलो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा खाना वाना बन रहा है, तो खाना बनते टाइम अभी मुझे थोड़ी सी मेथी साफ़ करनी है, चलो कौन कौन आ रहा है मेथी साफ़ करने के लिए जल्दी से आ जाओ, जो कि अभी बाज़ार से आई हूँ, तो सब देखो ऐसी पसारा वसारा पड़ा हुआ है, स्कूल वगैरह पढ़ा पढ़ा के मतलब थक जाता है इंसान, अब कोई भी हो पढ़ाने। तो अभी हो रही है शाम, अभी हम लोग जा रहे बाहर, ये देखो हम लोग रिक्शे में बैठे, तो उमर की मस्ती देखो कैसी हो रही है, अभी गोद में बैठ के जाएगा, जो कि हम लोग अभी निकल चुके, रिक्शा मिल गई हम लोग को, तो हम लोग आगे जाके आपको बताएंगे, ये बहुत बड़ा रास्ता पार होता है, उतने में तो एक घंटे की व्लॉगिंग हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं दिखा सकते ना, तभी मैं डायरेक्ट हम लोग पहुँच के वहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए मैं और उमर साथ में चल रहे हैं, तो उमर आगे आगे चल रहा है, ठंडी है बहुत, वहाँ पर भी ठंडी होगी, हमारे वहाँ भी बहुत ठंडी है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं, थोड़ी दूर बाकी है, तो उमर ने सबसे पहले यहाँ पर सेंग भुने जा रहे हैं, तो उमर ने सबसे पहले सेंग लिया है, तो अभी उमर ने लिया है सेंग, तो ये खा रहा है, और अभी पानी जो भी खाएगा, और एक इसको एक बात मतलब ऐसे कि ये ना तेज़ खाता है, मीठा नहीं खाता, अगर इसको मीडियम भी डाल देंगे तो पता चलेगा मीडियम, लेकिन वो तेज़ खाता है पानी, तो अभी खा रहा है मज़े ले लेके,
और ठंडी भी इंजॉय कर रहा है साथ में। अभी वो बाहर एक्चुअली इसीलिए आता है कि उसको अच्छे से उमर पानी पूरी कैसे है, बाहर का ज़्यादा खाना चाहिए उसको। फिर उसने ये मंचूरियन भी लेकर आया, वो भी खाया। मैंने एक दो टेस्ट की थी, बहुत टेस्ट थी। तो हो गया हम लोग का टूर, हम लोग जा रहे अभी घर पर आ रहे। तो उमर के हाथ में अभी भी मूंगफली है जो कि एक थैली में उसने कैरी कर लिया है। अब वो पूरा रास्ता यही खाएगा और नज़ारे करते हुए पूरा रूट देखो कैसे सन्नाटा है। क्या ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर ठंडी की वजह से थोड़ा कम होते जाती है रात के टाइम। तो ये देखिए पूरा रास्ता खाली है और हाईवे है तो हाईवे की वजह से थोड़ा फुल होता है, लेकिन रात के वक्त ठंडी की वजह से पूरा खाली हो चुका है। तो इतनी ट्रैफिक होती है रास्ते पे। ये रात का टाइम है जो कि अभी मैं चावल की रोटी बनाने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी मुझे चाय पीना है जैसे कि। तो ये चाय देख सकते हो अभी थोड़ी सी बची है उसमें, जो कि मैं भी इसी में, जैसे कि आपको पता है इसी में मैं अपनी जो गर्म पानी से एक्चुअल में आटा गुना जाता है इसलिए वेट कर लेते हैं, गर्म पानी से आटा गुनूँगी। फिर नहीं ना तो पता नहीं कितना काम बढ़ जाता है, जो कि अभी मैं आई हूँ तो मुझे थोड़ी सी आज रोटी बनानी है। तो मैं थोड़ा सा मुमानी के वहाँ गई थी, जस्ट वहाँ के बैकग्राउंड का फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, चावल की रोटी। फिर थोड़ी सी चाय पी रही हूँ अभी और नाश्ता वगैरह करके आए हम लोग, बिकॉज़ लेट गए थे और लेट ही आए जैसे कि आपको पता है। तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, बिल्कुल थक गए हैं। फिर कल वापस ड्यूटी वगैरह है, तो मैं भी अपना जो व्लॉग है यहीं पर फिनिश करती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा, थोड़ा बाहर गई थी मैं, वो भी सब ज़रूर देखिएगा। और मेरी माँ ने एक्चुअली में दूर रहती है तो मैंने वहाँ का ले लिया, और मैं वहाँ उन घर का भी लेने वाली थी, बट मेरा जो मोबाइल की चार्जिंग है फिनिश हो गई थी। तो देखिए मैं चढ़ गई इतनी बड़ी, अभी इसको तो कुछ तो करना पड़ेगा गिराने के लिए। मैं तो आता है इसका पाँव खींचता। ये देखो दोनों को पनिशमेंट मिली है, दोनों को लंबा किया जा रहा है, एक्सरसाइज है ये, कौन पहले गिरता है, उमर या आयशा। कितने मिनट हो गए हैं, कितने मिनट हो गए कालिया। उमर हार गया है गाइस। पहले जमाने में बंदरिया थी क्या। तो ये देखिए चावल की रोटी तैयार हो रही है। चावल की रोटी देखो कैसे बनती है। तो ये